पवन सिंह ने खबर ली गोलू राजा की। जी हाँ, गोलू राजा को आपने देखा होगा कि किस तरह से गोली मारी गई, और पवन सिंह ने अपने किसी करीबी के माध्यम से उनकी खबर ली है और पूछा है उनका हाल चाल। आपको बता दें, पवन सिंह की ससुराल में ही स्टेज शो कर रहे थे गोलू राजा, और वहीं उन पर गोलियां चलाई गई और वो गोली उनके हाथ और सीने को छू कर निकली। और आपको ये भी बता दें कि उन्हें अभी हाल ही में डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, लेकिन सुनने में आया है कि गोलू राजा की खैरियत के बारे में अपने करीबियों से पूछा है पवन सिंह ने, और साथ ही अक्षरा सिंह ने भी अपने स्टेटस के माध्यम से लोगों को ये कहा है कि गोलू राजा के लिए प्रार्थना कीजिए। और आपको एक ये भी मुद्दा बता दें कि हमारे भोजपुरिया स्टार, जितने भी भोजपुरिया स्टार हैं, वो लगातार स्टेज शो करते ही रहते हैं, आप सभी देखते हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े स्टार्स जो हमारे हैं, उनके स्टेज शो में कोई भी सुरक्षा नहीं होती है, कोई कभी भी किसी को गोली मार देता है। इससे पहले भी कई वाक़या हुए हैं, आपने देखा है कि चाहे वो खेसारी लाल रहे हों, चाहे पवन सिंह रहे हों, सभी के स्टेज शो में पथराव हुआ है, गोलियां चली हैं। ऐसा नहीं है ये पहला कोई मुद्दा है, लेकिन अब इसे बदलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मर्तबा ये सब कुछ हो चुका है। बिहार में हर एक जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, साथ ही ये मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव का सारो दारोमदार हमारे भोजपुरिया सितारों के बीच में ही है। कोई भी बड़ा सितारा तो नज़र नहीं आ रहा है, कई बड़े भोजपुरिया सितारे भीड़ जुटाने में कामयाब हो पा रहे हैं, और ऐसे में लगातार हमारे भोजपुरिया स्टार रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे के बारे में सभी को पता होने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।